आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। लोकसभा चुनाव से पहले दो दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, बनासकांठा में भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी ने मेहसाणा को दी बड़ी सौगात, 5800 करोड़ का दिया तोहफा, रेल सड़क और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का तीसरा दिन, आज इंदौर और ग्वालियर में करेंगे बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति को देंगे धार। तिरुवनंतपुरम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, रोड शो कर चुनाव प्रचार किया। नामांकन से पहले विजयासन माता के मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज, पूजा अर्चना कर जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय आज करेंगे नामांकन, नामांकन से पहले खजुराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने निकाली नामांकन रैली, जनता से मांगा आशीर्वाद, भारी संख्या में लोगों ने दिया समर्थन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मिजोरम और असम का दौरा, मिजोरम में जनसभा को किया संबोधित, मिजोरम के बाद असम में भी चुनावी हुंकार, भरेंगे गडकरी। राजस्थान में वसुंधरा राजे 4 नवंबर को करेंगी नामांकन, अमित शाह और जेपी नड्डा नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, नामांकन के बाद रैली का भी आयोजन। वसुंधरा राजे का प्रियंका गांधी पर प्रहार, बोले कांग्रेस ने नारी शक्ति योजना को किया अनदेखा, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ा अपराध। भोपाल दौरे पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से की मुलाकात। कल दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, राजस्थान चुनाव को लेकर के होगा मंथन, राजस्थान की बची हुई 76 सीटों पर होगी चर्चा। बिलासपुर दौरे पर प्रियंका गांधी, खैरागढ़ में जनता को कर रही है संबोधित, सीएम बघेल भी साथ में मौजूद। छत्तीसगढ़ में बोली प्रियंका गांधी, भूपेश सरकार में किसानों को लाभ हुआ, कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ का हुआ विकास। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने किया नामांकन, पाटन से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा, नामांकन में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल की पत्नी ने नामांकन से पहले सीएम का किया तिलक, सीएम ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें, जनता के प्यार को बताया अपनी ताकत। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी दाखिल किया नामांकन, जीतू पटवारी की नामांकन रैली को जनता ने दिया भारी समर्थन। आज कांग्रेस चुनाव केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक, राजस्थान की सीटों को लेकर के बैठक में मंथन, सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। एमपी में बागियों को बनाने में कांग्रेस हुई सफल, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने वापस लिया इस्तीफा, पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में वापसी। एमपी चुनाव के लिए बीएसपी एक्टिव, 6 नवंबर को चुनावी रैलियां करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, छतरपुर सतना और रीवा में भरेंगी चुनावी हुंकार। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का हुआ आयोजन, युवाओं ने लिया हिस्सा, सीएम बघेल भी होंगे मैराथन में शामिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस पर तंज, बोले कांग्रेस पर भरोसे का मतलब एक ही घंटे में 2 बार गिरना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा स्टेटमेंट, बोले छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है परिवर्तन की बेला, पीएम के नेतृत्व में बीजेपी को लाना है वापस। तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व कांग्रेस सदस्य अब्दुल्ला सोले शेख ने दिया इस्तीफा, रेवंत रेड्डी को भी बताया मुस्लिम विरोधी।